जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त की दुखद खबर, भारतीय सेना के जवानों की तरफ से लेह लद्दाख से निकल कर आ रहे हैं। लेह लद्दाख में तैनात छत्तीसगढ़ धमतरी जिले का लाल 24 वर्षीय जवान मनीष नेताम देश की सेवा देते हुए शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना घर पर पहुंचते ही पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है। पूरे परिवार परिजनों में रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका है। धमतरी का खरेगा जवानों का गाँव है। यहाँ करीब 25 से 30 युवाओं देश की सेवा देते हुए फौज में ड्यूटी कर रहे हैं। गांव के किसी युवा फौजी के शहीद होने की यह पहली घटना है। जवान का पार्थिव शरीर 30 दिसंबर को उनकी पैतृक निवास धमतरी गांव खरेंगा लाया जाएगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का बेटा मनीष नेताम बुधवार को लद्दाख में शहीद हो गए हैं। उसकी तैनाती चीन सीमा पर थी। कड़ाके के ठंड में मनीष की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मनीष ने दम तोड़ दिए और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर नाम ऊंचा कर लिए। मनीष का माता पिता का इकलौता बेटा था। आपको बताते चले कि यह जवान पिता माता का इकलौता पुत्र था, जो कि महज 24 वर्ष की उम्र में यह जवान सर्वोच्च बलिदान दे दिए। जवान का पार्थिव शरीर 30 दिसंबर को पैतृक निवास धीमतरी गांव का खरेंगा पहुंचेगा। मनीष की मौत की सूचना पर गांव में शोक की लहर डूब पड़ी है। धमतरी से लगे छोटे से गांव खिरंगा निवासी राजेंद्र नेपताम के बेटे मनीष की शादी की तैयारी चल रहा था। इसी बीच उसकी मौत की खबर घर पहुंची। इसके बाद परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। मनीष एक गरीब परिवार से ताल्लुका रखते हैं। उसकी एक बहन है जिसकी शादी करीब 2 माह पहले ही मनीष के एक दोस्त से हुआ था। वह भी सेना में जवान है। शादी के दौरान ही मनीष घर पर आया हुआ था। इसके बाद बहन की विदा कर ड्यूटी पर लौट गए थे, लेकिन दुख की बात यह है कि अब हमारे बीच मनीष नहीं रहे। देश की सेवा देते हुए -40 डिग्री सेल्सियस पर यह जवान बर्फीली पहाड़ पर देश की सेवा देते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मनीष ने साल 2019 में फौज में ज्वाइन कर ली थी। वह मराठा रेजिमेंट में था, लेह लद्दाख में ड्यूटी पर कर रहा था। बताया जा रहा है कि लेह लद्दाख में जहां सीमा पर जवानों की तैनाती होती है, वहां ऑक्सीजन काफ़ी कमी होती है। ठंड के मौसम में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। मनीष भी उन्हीं जवानों के साथ बर्फीले पहाड़ी पर ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मनीष अब हमारे बीच नहीं रहे। देश की सेवा देते हुए यह जवान सर्वोच्च बलिदान देकर अपना नाम देश के लिए उन चुनिंदे पन्नों में लिख लिए जिस पर देश की आहुति देने वाले जवान का नाम लिखा जाता है। मनीष के फ्रेंड बताते हैं कि पढ़ाई समय से ही वह समाज और देश की बातें करते रहता था। इसी बीच वह सेना में शामिल हो गया। इसके अंदर बचपन से ही देशभक्त का जज्बा था। अब शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर तिरंगे में लिपट कर सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर पैतृक आवास पर लाया जाएगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद जवान का अंतिम संस्कार में लोग हजारों 10 हजारों के जनसैलाब उमड़ेंगे और सभी नम आंखों से विनम्रपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वाकई में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर रोते हैं। अगर शहीद जवान 24 वर्षीय मनीष नेताम के लिए आप लोग को जरा सा रिस्पेक्ट होगा तो कमेंट में जहीं जरूर लिखना। मैं भगवान से विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद युवा जवान मनीष नेताम का आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहन शक्ति दे। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।